हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे फ़र्टिलाइजर्स के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन के बारे में फ़र्टिलाइजर्स क्या होते हैं कोई भी नेचुरली या फिर सिंथेटिक ओरिज़न वाले मटेरियल्स जिनको कि सोयल में अप्लाई करने पर वो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजर्स मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सोइल में प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे ऐसा नेचुरली ओरिजिन वाले या फिर सिंथेटिक ओरिजिन वाले सब्सटेंसेस नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट वन इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि ओनली वन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं जब इनको सॉइल में अप्लाई किया जाता है जैसे कि वो एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट एन पी और के में से कोई भी एक हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है अमोनियम सल्फेट ये भी नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम प्रोवाइड कराता है एंड पोटेशियम सल्फेट भी पोटेशियम प्रोवाइड कराता है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेट फर्टिलाइज़र के नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो है वो ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें कि दो या फिर तीन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनमें से जो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होते हैं इनको जनरली ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजर्स को कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है उस बेसिस पे भी उनका एक क्लासिफिकेशन है तो वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये फॉर्म्स भी हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स हैं डाई एमोनियम फोस्फेट नाइट्रोफोस्फेट एंड अमोनियम फोस्फेट नेक्स्ट टाइप के फर्टिलाइज़र आते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइज़र मिक्स फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको दो या फिर दो से अधिक स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की फिजिकल मिक्सिंग के द्वारा बनाया जाता है जो कि सोयल में अप्लाई करने पर दो या तीन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं मिक्स फर्टिलाइजर्स को हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर की मिक्सिंग के थ्रू बनाते हैं और ये मिक्सिंग हम मैकेनिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है फर्टिलाइजर्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म कि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है जैसे कि सॉलिड फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमने पिछली बात की थी ग्रैन्यूल्स वो एक फॉर्म थी एंड डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं फॉर एग्जाम्पल पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं फर्टिलाइजर जैसे कि सिंगल सुपर फोस्फेट जिसे कि एस के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट आती हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट वो प्रिल्स फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि यूरिया और डाईमोनियम फोस्फेट एंड सुपर फोस्फेट वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि होलैंड और ग्रेन्यूल्स सुपर ग्रेन्यूल हो सकते हैं या फिर ब्रिक्वेट्स हो सकते हैं जैसे कि यूरिया के ब्रिक्वेट्स नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन कि वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है वो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर है या फिर वो पोटेशिक फर्टिलाइजर है फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को भी फ्रदर चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अमोनिकल फर्टिलाइजर नाइट्रेट फर्टिलाइजर अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर एंड अमाइड फर्टिलाइजर मीन्स ये जो फ़र्टिलाइजर्स हैं उनमें जैसा कि नेम में दिया गया है वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि अमोनिकल फर्टिलाइजर्स को अमोनिकल फर्टिलाइजर्स इसलिए बोला जाता है कि उनमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया की फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो हैं उनमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है और अमाइड जो फ़र्टिलाइजर्स हैं उनमें जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन्हें हम वन बाई वन देखते हैं फर्स्ट आता है अमोनिकल फर्टिलाइजर्स अमोनिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन होती है वो या तो अमोनियम फॉर्म में या फिर अमोनिया फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स कंटेन द न्यूट्रिय नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम और अमोनिया ये जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रीडली सोलबल होते हैं वाटर में और रीडली अवेलेबल होते हैं क्रॉप्स के लिए राइस को छोड़ के बाकी सारी क्रॉप्स में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में ली जाती है लेकिन राइस में वो अमोनिया के फॉर्म में ली जाती है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल जैसे कि अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम फॉर्म में प्रेजेंट है जिसमें कि ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और सल्फेट का ट्वेंटी थ्री परसेंट सल्फर प्रेजेंट होता है इसे जनरली राइस एंड जूट जैसी क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है अमोनियम सल्फेट जो कि एक अमोनिकल फर्टिलाइज़र है उसको हम शोविंग से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं शोविंग के टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रॉप्स जो हैं उनमें हम टॉप ड्रेसिंग से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आता है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें नाइट्रोजन ट्वेंटी सिक्स परसेंट प्रजेंट होती है बट जनरली सोलेनेसी की जो क्रॉप्स हैं उनमें हम अमोनियम क्लोराइड को यूज़ नहीं करते जैसे कि टोमेटो टोबेको बिकॉज जो क्लोरीन की प्रेजेंस है वो क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देती है जैसे टोबेको में वो लीफ क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देती है थोड़ा बर्निंग अपीरियंस देती है जिससे कि सोलिनेस क्रॉप में जनरली अमोनियम क्लोराइड या फिर जिनमें क्लोरीन कंटेंट होता है उन फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं किया जाता नेक्स्ट आता है एनहाइड्रस अमोनिया एनहाइड्रस अमोनिया जो है उसमें मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें 82 परसेंट नाइट्रोजन होता है इसे जनरली सोइल में इंजेक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड टाइप एप्लीकेटर यह जनरली इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है लेकिन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है सोयल में उनकी जो गतिशीलता है वो ज़्यादा होती है जिसके कारण लिचिंग की जो प्रोसेस है लीचिंग का मतलब पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो घुल के नीचे सोइल की नीचे वाली सतहों में चले जाएंगे जिससे कि वो प्लांट के लिए फिर अवेलेबल नहीं रहते तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं उनकी गतिशीलता यानि कि मोबिलिटी अधिक होने के कारण वो सोइल में लीचिंग के द्वारा निचली सतहों में चले जाते हैं या फिर उनका लॉस हो जाता है इसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट जो है उसमें फिफ्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ये कंप्लीटली सोलबल होता है वाटर में एंड रेडली अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए और इसका सोयल में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते ये लीचिंग के द्वारा और डी की प्रोसेस के द्वारा इसका काफी ज्यादा लॉस होता है और सोडियम नाइट्रेट को जनरली एसिडिक सोयल्स के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट एग्जांपल आता है कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो क्रिस्टलाइन होता है और वाटर में सॉल्यूबल होता है इसमें फिफ्टीन पॉइंट फाइव परसेंट नाइट्रोजन के अमाउंट है एंड 19.5 पॉइंट फाइव परसेंट कैल्शियम के अमाउंट है जितने भी फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप का बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स ऐसे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन है वो दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है अमोनियम फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और नाइट्रेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है जैसे कि इसका एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट जो है उसमें जो नाइट्रोजन है वो थर्टी होती है और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो नेचर में हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है मीन्स इसका नेचर जो होता है वो बहुत अधिक आद्रताग्रही होता है और यह एक एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर है नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम शॉर्ट में कैन फर्टिलाइजर भी बोलते हैं इसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान खाद के नाम से कौन से फर्टिलाइजर को जाना जाता है दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसमें जो नाइट्रोजन है वो ट्वेंटी सिक्स परसेंट प्रेजेंट होती है और ये न्यूट्रल होता है नेचर में यानी कि जब हम कैन फर्टिलाइजर को सोइल में अप्लाई करेंगे तो ये सोयल के ऊपर कोई भी एसिडिक या फिर एल्केलाइन इफेक्ट नहीं छोड़ता है ये उदासीन होता है नेचर में नेक्स्ट आता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट इसमें जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो ट्वेंटी सिक्स परसेंट होता है और जो सल्फर होता है वो ट्वेल्व पॉइंट वन परसेंट होता है इसे भी हम शोविंग से पहले भी यूज कर सकते हैं शोविंग के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम टॉप ड्रेसिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं ये लगभग सारी क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट नेक्स्ट और लास्ट मन आते हैं एमाइड फर्टिलाइजर्स एमाइड फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें कि नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में, में प्रेजेंट होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका कॉमन और एकदम सेटिक एग्जाम्पल है यूरिया यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पानी में रीडली सोल्यूबल होते हैं और इजीली डी हो जाते हैं सोइल में फॉर्म जो है बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द्वारा नाइट्रेट फॉर्म में ली जाती है लेकिन एमाइड फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो जब हम इसे सोयल में अप्लाई करेंगे तो ये पहले अमोनिया में चेंज होगी एंड देन नाइट्रेट में चेंज होगी और देन प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी इसका एग्जाम्पल है यूरिया ये एक मोस्ट कंसनट्रेटेड सोलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसमें कि 46 परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसमें जो बायो परसेंट है वो है 1.5 परसेंट ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वाइट वाइट सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है जनरली सबने देखा है ये यूरिया जो है वो एटमोसफियर में उपस्थित मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखना चाहिए जिससे कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए इट इज़ रीडली कन्वर्टेड टू अमोनिकल एंड नाइट्रेट फॉर्म्स इन द सोइल बिकॉज इसमें यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए इसमें पहले अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होगी एंड देन नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी इसे जनरली शोविंग के टाइम पर भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर यूरिया की जनरली टॉप ड्रेसिंग देखने को मिलती है टॉप ड्रेसिंग क्या होता है कि स्टैंडिंग क्रॉप में यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन करना ये जनरली सारी टाइप के क्रॉप्स के लिए एंड सारी टाइप की सोयल्स के लिए सूटेबल होती है अब यूरिया में एक टाइप आता है नीम कोटेड यूरिया नीम कोटेड यूरिया जो है उसका स्लो रिलीजिंग इफेक्ट होता है यानी कि जो यूरिया है उसमें जो तीन नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन है वो अपनी एक साथ सारी नाइट्रोजन कंसनट्रेशन ना दे के वो स्लो रिलीजिंग इफेक्ट दिखाता है यानी कि धीरे धीरे उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जिससे कि जब सॉइल को रिक्वायरमेंट होती है तब वो उस तक पहुंचते हैं नीम कोटेड यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो फोर्टी होती है बाई यूरिट परसेंटेज जो है वो वन पॉइंट फाइव परसेंट होता है और अजा डिरेक्टीन मतलब जो यूरिया की पार्टिकल्स के ऊपर जो नीम का कोटेशन किया है उस नीम से निकला हुआ एक केमिकल होता है एजा डिरेक्टिन वो कंटेंट होता है 150 फिफ्टी पीपीएम नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कैल्शियम साइनामाइड कैल्शियम साइनामाइड में 20.6 पॉइंट सिक्स परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है नेक्स्ट हम देखते हैं फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आता है सिंगल सुपर फोस्फेट जिसे कि शॉर्ट में एस के नाम से जाना जाता है एस एस पी स्टैंड फॉर सिंगल सुपर फोस्फेट ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोस्फोटिक फर्टिलाइजर है जिसमें कि 16 परसेंट फोस्फोरस प्रेजेंट होता है 19 परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट होता है एंड 12 परसेंट सल्फर प्रेजेंट होता है ये एक ग्रे एश लाइक पाउडर होता है जिसकी स्टोरेज क्वालिटी अच्छी होती है फोस्फोरस जो न्यूट्रियट है वो सॉइल में इमूवेबल होता है यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत हार्डली मूवमेंट करता है जिससे कि हमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को रूट जोन के पास देना चाहिए ताकि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाए नेक्स्ट एग्जांपल आता है ट्रिपल सुपर फोस्फेट यानी कि टी इसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो 46 सिक्स परसेंट प्रजेंट होता है जनरली ये सारे टाइप की क्रॉप्स के लिए और सारी टाइप्स की सोयल्स के लिए सुटेबल होता है लेकिन अगर हम TSP यानी कि ट्रिपल सुपर फोस्फेट को एसिडिक सोइल में यूज करेंगे तो हम उसे ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ में यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल रहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है डाई एमोनियम फोस्फेट अमोनियम फोस्फेट जो है वो एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है जिसे कि शोविंग टाइम पर अप्लाई किया जाता है इसमें एटीन परसेंट नाइट्रोजन प्रजेंट होती है एंड फोर्टी सिक्स परसेंट फोस्फोरस प्रजेंट होती है। नेक्स्ट आता है मोनोअमोनियम फोस्फेट यानी कि एम ए पी जिसमें कि टेन टू ट्वेल्व परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एंड फोर्टी एट परसेंट फ़ोस्फोरस नेक्स्ट आता है डाई कैल्शियम फोस्फेट पहले था मोनोअमोनियम फोस्फेट नेक्स्ट है डाई कैल्शियम फोस्फेट जिसमें थर्टी फोर से थर्टी एट परसेंट तक फोस्फोरस प्रेजेंट होता है लेकिन अवेलेबल फॉर्म में जो है वो सिर्फ थर्टी फोर परसेंट ही रहता है ये एक सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को उनकी सोल्यूबलिटी के आधार पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनमें से एक होता है सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइज़र तो जो डाई कैल्शियम फोस्फेट है वो सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आता है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर का बेसिक स्लेग यह भी एक सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है जिसमें कि फोर्टीन टू एटीन परसेंट पी टू ओ फाइव प्रजेंट होता है नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम पोलीफोस्फेट जिसमें कि 15 परसेंट नाइट्रोजन और 62 परसेंट फोस्फोरस प्रेजेंट होता है फोस्फेट को फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को उनकी सोल्यूबिलिटी के आधार पे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वाटर सोल्यूबल सिट्रिक सोल्यूबल और इन फर्स्ट हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल फोस्फेट या फिर इसे मोनोकैल्शियम फोस्फेट के नाम से भी जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सुपर फोस्फेट हो गया जिसमें सिक्सटीन परसेंट फोस्फोरस प्रेजेंट है अमोनियम सल्फेट हो गया जिसमें कि ट्वेंटी परसेंट फोस्फोरस प्रेजेंट है एक्सेट्रा नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप सिट्रिक सोल्यूबल फोस्फेट या फिर इसे डाई कैल्शियम फोस्फेट के नाम से भी जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बेसिक लेग हो गया जिसमें फोर्टीन टू एटीन परसेंट फोस्फोरस प्रजेंट होता है और जैसे कि रहनिया हो गया जिसमें कि तेईस से छब्बीस परसेंट फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट आता है इनसोल्यूबल या फिर इसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रॉक फॉस्फेट जिसमें कि तीस से चालीस परसेंट फोस्फोरस प्रेजेंट होता है एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रो बोन मील जिसमें कि बीस से पच्चीस परसेंट तक फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट आते हैं पोटेशम फर्टिलाइजर यानी कि ऐसे फर्टिलइजर्स जो कि सॉयल में अप्लाई करने पर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो पोटैसिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं इसमें फ़र्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड को कॉमनली हम म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं और ये वाइट और रेड क्रिस्टली सब्सटेंस होता है जिसमें कि 60 परसेंट पोटेशियम प्रेजेंट होता है ये कंप्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में और रीडली अवेलेबल होता है क्रॉप्स के लिए इसमें जो क्लोरीन कंटेंट है बिकॉज पोटेशियम क्लोराइड मीन्स पोटेशियम भी प्रेजेंट होगा और कुछ अमाउंट क्लोरीन की भी प्रेजेंट होगी तो जो क्लोरीन कंटेंट का परसेंटेज है वो होता है फोर्टी सेवन परसेंट लेकिन इसमें क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है कुछ सोलने से क्रॉप्स के लिए जैसे कि टोबेको पोटेटो टोमेटो तो इसलिए इन क्रॉप्स में इस पोटेशिक फर्टिलाइजर को यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ क्लोरीन कंटेंट नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है पोटेशियम सल्फ़ेट पोटेशियम सल्फ़ेट या फिर इसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं इसमें फोर्टी एट परसेंट पोटेशियम प्रेजेंट होता है और सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट सल्फर प्रेजेंट होता है ये भी सोइल में अप्लाई करने पर कोई भी एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी प्रोड्यूस नहीं करते नेक्स्ट आता है पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसमें फोर्टी फोर परसेंट पोटेशियम प्रेजेंट होता है एंड थर्टीन परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम का एक्सीलेंट सोर्स है जिसे कि मेनली फ्रूट ट्रीज़ में टोबैको में एंड वेजिटेबल्स में यूज़ किया जाता है